नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सकट योग के बारे में। काफ़ी सुन रखा होगा आपने इस योग के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड सकट योग के ठीक उल्टा, जैसे कि गजकेसरी योग भी आपने सुना होगा, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, आप मेरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों बात करते हैं सकट योग के बारे में। सकट योग है क्या? सकट योग यानी कि षडाष्टक योग जब बनता है बृहस्पति और चंद्रमा के बीच, यानी कि आपके लग्न कुंडली में जब भी चंद्रमा और जो बृहस्पति उनके बीच में 6 या 8 का संबंध, यानी कि बृहस्पति से चंद्रमा 8वें बैठा हो या चंद्रमा से बृहस्पति 6ठे बैठा हो, ये 6 और 8 का संबंध बन जाता है। बाय डिफॉल्ट अगर बृहस्पति से चंद्रमा 8वें बैठेगा तो बाय डिफॉल्ट चंद्रमा से बृहस्पति 6 बैठ जाएगा। तो ये आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा से बृहस्पति जो है वो 6-8 में बैठता है, 6-8-12 का संबंध बनाता है, षडाष्टक योग जिसको बोलते हैं, 6-8-12 का संबंध अगर बनाता है तो ये एक तरह से सकट योग कहलाता है। सकट योग में होता क्या है एक्चुअली? सकट योग में ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो पर्सन है उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो अपना नुकसान खुद करेगा। लाइक अपने ही ज्ञान के चक्कर में अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेना, ये सारी चीज़ें, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ 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 प्रॉब्लम उसके लाइफ में लगा रहेगा जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहेगा। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात तो मतलब इसके बारे में कुछ कार्ड भी दिए गए हैं कि कुछ कुछ सिचुएशंस में कट जाता है। तो सकट योग जैसे मैंने बता दिया बनता कैसे आप समझ गए होंगे। लग्न कुंडली में चंद्रमा से गुरु 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो सकट योग कहलाता है। अब इसको डिटेल में समझता है ये क्या चीज़ है, ये होता क्यों है। क्योंकि देखिए जैसे गजकेसरी योग में मैंने कहा कि चंद्रमा का होल्डिंग होता है मन पे, यानी कि ज्ञान का होल्डिंग हो गया मन पे तो काफ़ी अच्छा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बृहस्पति है और चंद्रमा के बीच में एक तरह से गलत योग बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है, यानी कि एक 6-8-12 का संबंध हमारे कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता एक्चुअली। तो ये जो संबंध बन रहा है इसके वजह से इंसान अपने लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं पाता, एक सकट योग इस तरह से कहलाता है। दूसरी चीज़, आप इस योग को भंग जहाँ तक मैंने देखा है कुछ कुछ सिचुएशंस में बता दूँ कि देखिए एक बेसिक सा रूल है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत बेसिक है। अगर चंद्रमा और सूर्य अगर अच्छे हैं ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग इन द सेंस अगर स्ट्रांग भी हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छे सिचुएशन में है, नेचुरल मैलिफिक के एस्पेक्ट में या फिर कॉम्बिनेशन कंजंक्शन में नहीं है, डिग्री वाइज प्रॉपर है आपकी कुंडली में, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि कोई भी जो नकारात्मक योग हैं, जैसे कि अभी आप ये सकट योग हो गया या फिर और भी बहुत सारे योग हैं जो कि हम काफ़ी नाम से डराया जाता है हमें, तो उन सब योगों का जो असर होता है काफ़ी कम होता है। और अगर चंद्रमा के ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट हो शुक्र का, गुरु का, ऐसा कुछ तो और भी बलि हो जाता है। और जैसे बता दो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो काफ़ी बलि माना जाता है, कृष्ण पक्ष का हो तो कमज़ोर माना जाता है बाय डिफॉल्ट। यानी आपका जन्म अगर कृष्ण पक्ष में हुआ, यानी कि जब चंद्रमा कम घटता है, और शुक्ल पक्ष यानी कि जब चंद्रमा बढ़ता है, तो जो बढ़ने वाला जो समय होता है उस पीरियड में जिसका जन्म होता है वो शुक्ल पक्ष में हुआ तो उसका चंद्रमा मजबूत माना जाता है, जबकि जो कृष्ण पक्ष में हो रहा है उसके चंद्रमा को कमज़ोर माना जाता है। तो एक बहुत बेसिक रूल आप ध्यान में रखिए हमेशा, चंद्रमा मन है, देखिए मन स्ट्रांग है, सूर्य आत्मा है, आत्मा स्ट्रांग है, आत्मा विल पावर देता है, मन आपका मजबूत है, यानी कि आप अपने पे संयम रखोगे, सही और गलत निर्णय सही लोगे, ये जो चीज़ होती है एक इम्पॉर्टेंट होती है। अगर यही चीज़ जब गुरु और चंद्रमा साथ में बैठ जाते हैं, जब गजकेसरी योग बनता है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि इंसान मैंने कहा कि अपना सही गलत सही तरीके से सोच पाता है, यानी कि उसको अपने लाइफ की अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आती है कि मुझे क्या करना है, मेरे पीछे कितने लोग, ये सारे बोलते हैं एकदम बौद्धिक क्षमता जो होती है, बहुत मैच्योर लेवल पे सोचता है इंसान। और यही जब जो सकट योग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंसान अपने ही मन का करेगा, अपना नुकसान करेगा। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि गुरु से रिलेटेड जो जो कारक हैं, जैसे कि मैरिज लाइफ हो गई, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, और जैसे कि 11वां भाव है गेन हो गया, यानी कि इन शॉर्ट हैप्पीनेस आपकी खुशहाली की तरह, मतलब चौतरफा ग्रोथ जो हो गया आपकी लाइफ में, ये सब देखोगे अगर सकट ही हो गया तो जीवन में नहीं होता उस इंसान के। इन सब चीज़ों में ना कहीं इसको प्रॉब्लम 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 उसके आप जीवन में आप जरूर देखोगे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती गई है सकट योग
क्योंकि गुरु से उसका संबंध खराब है, क्योंकि मन जो है ना अपने ही हिसाब से जा रहा है, जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। इस तरह के व्यक्ति तो आपने देखे होंगे, भले वो गलत हो तो भी वो इंसान तो ना अपनी मन का करता है। तो बोलते ना मन पे उसका बिल्कुल संयम ही नहीं है, नहीं मुझे चाहे वो गलत हैबिट फॉलो कर रहा है या गलत रूटीन फॉलो कर रहा है, आप उसको समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसमें भी जो वो करता है उसमें भी अपने आप को सही साबित करने की हमेशा होड़ में रहता है। तो ये सारी चीज़ सकट योग को दर्शाती हैं एक तरह से। अब इसमें कहा जाता है कि अगर गुरु केंद्र में बैठा हो, यानी कि सकट योग तो बन रहा है लेकिन गुरु केंद्र, मान लीजिए आपका चंद्रमा आठवें में है और गुरु आपका जो है लग्न यानी कि पहले घर में बैठ गया, तो इसके प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यानी कि इन शॉर्ट इसको कह देते कि जितना उसको इसका दुष्प्रभाव मिलना चाहिए, समझ लीजिए 100% में से ऑलमोस्ट 50% 60% उसको ये प्रभाव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सकट योग कैंसिल भी होता है। और भी कई सारे योग हैं, जैसे कि लग्नेश है, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पे या गुरु पे, तो भी वो एक हद तक आप देखोगे ये इसका असर उसके उस पर्टिकुलर इंसान पे कम हो जाए। बट जैसे मैंने कहा इसमें लग्नेश आपका मजबूत होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सकट योग बेसिकली एक्चुअली में थोड़ा सा बुरा योग है, इसके रिजल्ट नकारात्मक मिलते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन इसको जरा सा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखिए मैंने पहले एक बार बताया है कि अगर आप डिग्री वाइज भी इसे चेक करिएगा, और गुरु जैसे कि सकट योग में तो बैठा ही है और फंक्शनल मैलेफिक के नक्षत्र में भी बैठा है तो ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।